हेलो दोस्तों, हमने मुस्लिम लॉ में डिवोर्स के चैप्टर को शुरू किया था और हमने पिछली वीडियो में डिवोर्स बाय लियन डिस्कस किया था, डिवोर्स बाय तलाक के तफवीज डिस्कस किया था, आज की हमारी वीडियो में हम डिवोर्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिवोर्स बाय कॉमन कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स भी लिया जा सकता है मुस्लिम लॉ में। म्यूचुअल कंसेंट मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भी डिवोर्स ले सकते हैं म्यूचुअली एग्री होके। तो जो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जाता है वो दो प्रकार का है, एक तो खुला, एक जो टाइप है वो है खुला, और दूसरा जो टाइप है वो है मुबारक। अगर बात की जाए खुला की, आज की हमारी वीडियो में हम खुला को डिस्कस करेंगे, खुला क्या है, और अगली वीडियो में हम फिर मुबारक को डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए खुला की, तो खुला को डिवोर्स बाई परचेज भी कहा जाता है, इसको डिवोर्स बाई परचेज क्या होता है, कुछ खरीदना, पैसे देकर कुछ खरीदना, अर्थात डिवोर्स लेना पैसे देकर। तो खुला को डिवोर्स बाई परचेज भी कहा जाता है। इसे डिवोर्स बाई परचेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, इस खुला में क्या होता है ना कि एक मुस्लिम वूमेन है वो अपने हस्बैंड को एक ऑफर करती है कि मैं तेरे को फलाने ऐसे इतने इतने पैसे दूंगी, तू मुझे आज़ाद कर दे, तू मुझे फ्री कर दे, तू अपने कंट्रोल से मेरे को रिलीज कर दे। तो होता क्या है, वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को, वाइफ अपने हस्बैंड को ऑफर करती है कि मैं तेरे को ये कंसीडरेशन दूंगी, कंसीडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यूएबल, पैसा दूंगी और तू मुझे डिवोर्स दे, मैं तेरे को पैसा दूंगी और तू मुझे रिलीज कर दे। और हस्बैंड उस कंसीडरेशन को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे वाइफ ने बोला अपने हस्बैंड को कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगी, मुझे आज़ाद कर दे, मुझे छोड़ दे, मुझे रिलीज कर दे, कंट्रोल से मेरे को फ्री कर दे, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगी। और फ्री कैसे होगा, जब उनके भी डिवोर्स हो जाएगा, जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो जो हस्बैंड वाइफ है वो ऑफर देती है और हस्बैंड उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एज सून एज हस्बैंड उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो जो डिवोर्स है वो हो जाता है। इसे बोलते हैं डिवोर्स बाई खुला, ये होता है डिवोर्स बाई खुला, इसको बोलते हैं डिवोर्स बाई खुला। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है, क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि अगर हस्बैंड ने, वाइफ ने ऑफर किया हस्बैंड को कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगी, तू मेरे को डिवोर्स दे दे, मेरे को आज़ाद कर दे, हस्बैंड ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और डिवोर्स करवा दिया खुला के माध्यम से, डिवोर्स हो गया। अगर कल को मान लो कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को पैसे नहीं देती है, कंसीडरेशन नहीं देती है, देखो दो कारण हो सकते हैं कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को पहले पैसे देगी, उसके बाद उसका हस्बैंड उसको रिलीज करेगा, डिवोर्स ले लेगा, छोड़ देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ हस्बैंड को बोले मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, हस्बैंड ने कोई पैसा नहीं लिया और जब डिवोर्स हो गया उसके बाद मांगना शुरू किए। अगर वाइफ मान लो बाद में हस्बैंड को पैसे देने से मना कर देती है तो क्या वो डिवोर्स वैलिड रहेगा या इनवैलिड हो जाएगा? क्या हस्बैंड उस डिवोर्स को कैंसिल करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है या नहीं करवा सकता? तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात है, एज सून एज हस्बैंड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिवोर्स मेड बाय हिज वाइफ एंड गिव द डिवोर्स टू हिज वाइफ, द डिवोर्स बिकम इरेवोकेबल। आफ्टर दैट डिवोर्स कैन नॉट बी कैंसल। और ये बात इररेलीवेंट है कि उसको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, कंसीडरेशन मिली या नहीं मिली है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो डिवोर्स हो जाएगा, वैलिड होगा, वो इरेवोकेबल होगा, वो ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, वो डिवोर्स वैलिड है। अब हस्बैंड के पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है कि वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है, अपनी वाइफ के अगेंस्ट केस कर सकता है और बोल सकता है कि जज साहब इसने मुझे खुला के माध्यम से डिवोर्स हुआ हमारा म्यूचुअली, इसने मुझे कहा था कि मैं इतने पैसे दूंगी, मुझे को छोड़ दो, मेरे को आज़ाद कर दो, मैंने कर दिया पर इसे पैसे नहीं दे रही, तो वो कोर्ट में केस कर सकता है, कोर्ट के माध्यम से वो पैसा ले सकता है।
पर डाइवोर्स वो वैलिड रहेगा, डाइवोर्स के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो खुला का डाइवोर्स है ना, ये शरीयत एक्ट 1937 में भी रिकॉग्नाइज है, इसको शरीयत एक्ट 1937 में मान्यता मिली हुई है। अभी भी खुला के माध्यम से डाइवोर्स होता है, वे 1937 का जो शरीयत एक्ट है वहाँ इसको रखा गया है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ अपनी फैमिली का अपना ध्यान रखें, मास्क पहनें, अपने ऊपर मास्क लगा के रखें, जब भी बाहर जाएं सैनिटाइज करें खाना खाने के टाइम, और जितना हो सके भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें, और कोई काम ना हो तो बाहर भी ना जाएं घर से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।